गाइस मैंने जो हार्ड ड्राइव मंगाई थी पहले उसको अनबॉक्स करते हैं। सो लेट्स गो। और मैं साथ साथ यूट्यूब भी करता हूँ। तो यूट्यूब वाला डेटा सारा इसमें ही है। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा लैपटॉप का जो सारा डेटा रिकवर हो जाएगा। मैं उससे सोच रहा था कि उससे डेटा कॉपी कर लूँ। सो गाइस ये देखो यहाँ गढ़वाली कैप, लुक एट दिस। So hey guys, what's up? This is Harry. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. काफी दिनों के बाद vlog कर रहा हूँ। Actually some issues going on with me and that's why कि कोई vlog नहीं आया। देहरादून से आने के बाद मैंने काफी सारे vlog बनाए थे और काफी सारा data इकट्ठा किया था ताकि मैं vlog डालता रहूँ। And जैसे देहरादून से मैं घर आया, घर आने के बाद मैं video editing कर रहा था and video editing करते करते क्या हुआ, मैंने video upload पे लगा दी थी। And video upload लगाने के बाद जैसे मैं नीचे आया, मतलब मैं छत पे घूम रहा था शाम को, एंड मैंने सोचा की यहाँ पर नेटवर्क इश्यू रहता है तो वीडियो अपलोड पे लगा देता हूँ, जैसे अपलोड हो जाएगी तो फिर हो जाएगी 2 घंटे बाद मैं नीचे आ जाऊंगा, मेरा प्लान ये था। एंड जैसे मैं वीडियो अपलोड लगा के फिर मैंने देखा कि यार देखता हूँ कि वीडियो अपलोड हुई कि नहीं हुई, मैं नीचे आता हूँ तो मुझे एक एरर आया था। तो एरर अभी आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, वो तो एरर आ रहा था बूट डिवाइस नॉट फाउंड, इस तरह से कुछ एरर आ रहा था। पूरा हर कुछ रिकवर करने की ट्राई करा, तो फिर बस इसी कारण से व्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे। और मेरा जो मेन डेटा है जो वो प्रीवियस व्लॉग जो है उसका भी डेटा पड़ा हुआ है, रॉ जो फुटेज होती है वो पड़ी हुई है उसमें। मैंने अपनी तरफ से उस पर रिस्टोर पॉइंट बनाया था, तो मैंने रिस्टोर पॉइंट से डेटा रिकवर करने की कोशिश की, तो वो भी मतलब मैं सक्सेसफुल नहीं रहा उसमें। उसके बाद मैंने रीसेट करने के बाद एक रीसेट का ऑप्शन आता है जिसमें आता है कि कीप्स माय फाइल्स, मैंने वो भी रखा बट वो भी ऑप्शंस काम नहीं करा। तो पहले मुझे जाना है बैंक के काम के लिए। एक्चुअली मेरा जो क्रेडिट कार्ड है ना वो बार बार जो था चंडीगढ़ के एड्रेस पे डिलीवर हो रहा था, तो मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको पौड़ी के एड्रेस पे डिलीवर करवाया। क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया एंड ये एक्चुअली बार बार डिलीवर हो रहा था मेरे चंडीगढ़ के एड्रेस पे, बट मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे यहाँ डिलीवर करवा दिया। एंड HDFC जो बैंक है वो पौड़ी के पावर हाउस के जस्ट बगल में है, ये वाला जस्ट ये HDFC का बैंक है। अच्छा लगता है कि पौड़ी में भी बैंक जो सर्विस है वो अच्छी हो गई है। और मैंने साथ ही साथ लिमिट इनहैशमेंट की रिक्वेस्ट भी डाल दी है, वो मैंने क्यों डाली है वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब लेट्स गो, पहले भी अपना लैपटॉप रिपेयर करवाना है। लैपटॉप की वजह से जो है ना मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये वाला व्लॉग्स मैं कब एडिट करूंगा और कब डालूंगा, क्योंकि अगर लैपटॉप का डेटा रिकवर नहीं हुआ तो वैसे मेरे पास एज अ बैकअप के लिए दूसरा लैपटॉप है तो मैं उससे भी मतलब एडिटिंग कर सकता हूँ, बट स्टिल इस वाले लैपटॉप में जो था बहुत सारा डेटा, बहुत ही सारा डेटा है, तो मैं चाहता कि मैं उसको मिस करूं। एंड देहरादून गया था, देहरादून में जितनी भी जगह गया था वो वाला ब्लॉग से डेटा है, तो आई ट्राई टू रिकवर ऑल माय डेटा, अगर नहीं होता देन आई गेट न्यू लैपटॉप। यहाँ पर कहीं पर एक शॉप है जहाँ पे लैपटॉप का लिखा देखा था मैंने, कहीं पे लैपटॉप पे दिखाना है रुपया। फिर आई गेस ना लैपटॉप की विंडो क्रैश हो गया आई गेस, बट अगर आप चेक कर लो, मुझे इसका डेटा चाहिए। अच्छा नहीं डी में तो है बट मुझे चाहिए सी ड्राइव का भैया, अगर आप हार्ड ड्राइव ही निकालोगे तब तो सी डी का निकल जाएगा, बट मुझे है सी कि सी ड्राइव में जो डेटा वो रिकवर हो जाए भैया। चलो चक्कर ही है ना, अगर उसको अलग निकालेंगे भी ना हार्ड ड्राइव को, हाँ तब भी डी ड्राइव का निकलेगा ना, बाकी ड्राइव का ना, सी का नहीं निकलेगा, पर जरूरी नहीं कि विंडो का अपडेट का चेक कर लो ना, और मुझे उसका हार्ड बूट डिवाइस नॉट फाउंड, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, हाँ ब्लैक विंडो आ रही है, विंडोज 10 है 8 है, हाँ वो तो हो नहीं रहा भैया, मैं बहुत ट्राई कर लिया है, ये देखो ये बार ट्राई कर दिया मैं, ठीक है उसके बाद मैंने रिस्टोर ट्राई लोकल वो भी करा मैंने रीइंस्टॉल, वो भी काम नहीं कर रहा है, एंड देन रीसेट पीसी के बाद ये भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि मैंने रिस्टोर पॉइंट बना रखा है तो ये बोल रहा है कि देयर इज नो रिस्टोर पॉइंट। भैया उसके आपको पता, रीसेट तो मैं भी कर सकता हूँ, वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, विंडोज पर मैं भी कर सकता हूँ, बट मुझे डेटा चाहिए ना बस। ठीक है भैया मैं आता हूँ फिर 3-4 बजे तक। सो मैंने अभी लैपटॉप भैया को दे दिया है एंड सो भैया ने बोला कि मैं ट्राई करूँगा कि डेटा रिकवर हो जाए। आई होप कि भाई सारा डेटा जो है ना वापस आ जाए यार, बस वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्लॉग हैं उसमें, और ये वाले व्लॉग भी तभी आएंगे जब वो वाला लैपटॉप बन जाएगा, क्योंकि एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह सारा उसमें ही है। तो लैपटॉप देके मैं आ गया हूँ प्रशांत भाई के पास। पहले मैं खुद अपने एफर्ट्स मार रहा था कि चलो अगर मेरे से हो जाता है लैपटॉप ठीक तो ठीक है, मैंने विंडो रीइंस्टॉल करी, लोकल रीइंस्टॉल करा मैंने, और मैंने कोशिश भी किया कि मैंने यू नो डेटा रिकवर करने का एक ऑप्शन होता है रीसेट द पीसी, उसके बाद एक ऑप्शन होता है कीप माय फाइल्स, मैंने वो भी ट्राई करा बट उससे भी नहीं हुआ।
सो द मेन थिंग कि जितने भी मैंने अभी तक आज तक ब्लॉग बनाए हैं उसका जो सारा डेटा है वो मेरे उस लैपटॉप के अंदर है। एंड साथ में अभी मैंने एक यूट्यूबर के साथ, पौड़ी के यूट्यूबर के साथ मैंने कोलैब किया था रिसेंटली, तो वो वाला डेटा भी पड़ा हुआ है। उनका नाम है ओहो पौड़ी, तो वो वाला डेटा पड़ा हुआ है। एंड देन उसके बाद मैं देहरादून गया था, वो वाला डेटा भी पड़ा हुआ है। तो भाई मतलब दिल में धक-धक हो रही है कि डेटा आएगा कि नहीं आएगा, बट होपफुली अभी शॉप वाले भैया के पास देखा मैंने तो उन्होंने मुझे बोल रखा कि दो तीन बजे तक आ जाना और पिक कर लेना लैपटॉप, तो होपफुली शायद डेटा वापस आ जाएगा। और ये वाला व्लॉग भी मैं तब डालूंगा कि मेरे पास दूसरा लैपटॉप पड़ा हुआ है तो मैं उसमें एडिटिंग करने की कोशिश करूंगा। अगर एडिटिंग हो जाती है तो शायद आप होपफुली ये व्लॉग कल देख लोगे। आज सैटरडे है, आज 18 तारीख है और सैटरडे है, तो होपफुली आप कल या परसों ये वाला व्लॉग देखोगे अगर लैपटॉप ठीक हो गया। तो उसके बाद जो सारी सीरीज है जो मैंने अभी तक जितना डेटा पड़ा हुआ है जो मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किए हैं, तो वो वाले व्लॉग भी आप लोग को देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी। तो पौड़ी का कैसा वेदर हो गया यहाँ से, एंड ये दिख रहा है बुआ खाल, और ये जो नीचे रोड दिख रही है सीने वाली रोड है, और वेदर देखो क्या प्यारा वेदर हो गया। तो गाइस फाइनली मैं आपको प्रशांत भाई से मिलाता हूँ। तो प्रशांत भाई कैसा, क्या हाल चाल है प्रशांत भाई? बढ़िया हूँ मैं, पहले की तरह एकदम बेहतरीन। तो प्रशांत भाई मेरे साथ ओली वाली सीरीज में आए थे, अगर आपने नहीं देखी ओली वाली सीरीज तो मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो बड़ा मजा आया था प्रशांत भाई उस दिन वाली ओली सीरीज में ना, बहुत ज्यादा मजा किया था मैं। सो अभी अभी हम सोच रहे हैं कि दोबारा कोई प्लान बनाए, बाकी देखो प्रशांत भाई मुझे करता है यही बोलना चाह रहे हो। होपफुली आपको ट्रैक वगैरह देखने को मिले या फिर लॉन्ग राइड देखने को मिले, क्योंकि पौड़ी का वेदर तो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। बट अभी होपफुली अगर वेदर ठीक होगा तो निकलेंगे ना। एक्चुअली ड्यू टू लैंडस्लाइड हम लोग थोड़ा सा स्किप कर रखा हम लोगों ने प्लान, बट अभी करेंगे हम लोग रुद्रप्रयाग साइड वगैरह, हम लोग दो तीन प्लेसेस हैं जो कवर करना है, बाकी वो तो आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बाकी इनकी मेहरबानी होनी चाहिए कि चले साथ, तो ऊपर वाले की मेहरबानी होगी। हाँ रवि, यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर आप चलोगे तो चल पाएंगे, तैयार रहते हैं। बाकी मैंने एक हार्ड ड्राइव ऑर्डर की थी, एक्चुअली क्या था कि जो लैपटॉप में डेटा है तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो डेटा रिकवर हो गया तो मैं एक हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर कर दूंगा। तो अभी हार्ड ड्राइव की मैं अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, मेरे पास आ गई है, मैंने इनके पास डिलीवर करवाई थी, तो अभी मेरे पास बैग में पड़ी है तो उसको भी मैं अनबॉक्स करता हूँ। A few moments later. So guys, मैंने जो हार्ड ड्राइव मंगाई थी पहले उसको अनबॉक्स करते हैं। So let's go. मैं अभी खोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम से बताऊँ तो मैंने खोला भी नहीं था। So ये मैंने मंगाई थी WD की, वेस्टर्न डिजिटल की। So ये पड़ी मुझे कम से कम, इसमें लिखा तो वैसे 8000 है बट मुझे पड़ी है 5500 की, और चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। 2 TB की है ये भाई, हथियार ठीक है पसंद भाई। So ये आई है हमारी हार्ड ड्राइव, इसके साथ कुछ मैनुअल वगैरह आते हैं जो आपको डू एंड डोंट्स रखते हैं। और ये हमारी हार्ड ड्राइव है, 2 TB की पड़ी है मुझे ये, तो 5500 की पड़ी है मुझे। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा लैपटॉप का जो सारा डेटा रिकवर हो जाएगा तो मैं उसको सीधा अपने 2 TB की हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर कर दूंगा, फिर उसमें मैं दूसरे लैपटॉप में उसको ऐड करूंगा। अगर आज डेटा रिकवर हो जाता है तो आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलेंगे, अगर डेटा रिकवर नहीं होता तो फिर जो व्लॉग चल रहे हैं वही चलते रहेंगे। और आप लोगों में से किसी ने अगर ये WD की हार्ड ड्राइव लेनी है, वैसे मैं पहले भी एक ऑर्डर कर चुका हूँ 1 TB की, मैंने बहुत पहले मंगाई थी तो अभी तक वो बहुत सही चल रही है। अगर आप लोगों ने में से किसी ने लेना है तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अमेजोन का लिंक है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। क्या कौन सी वाली प्रशांत भाई कुछ मांग रहा बच्चा? पहले उसने वो मांगा वो नहीं मिला था, उसने ये मांगा बड़ा नमकीन देता। जब आप छोटे में थे आप भी ऐसे मांगते रहोगे ना? हमेशा मिलता था यार ऐसा बहुत। हम भी जब छोटे थे हम भी बहुत मांगते थे यार, हमें चाहिए हमें चाहिए। हम लोग भी जब छोटे थे ना प्रशांत भाई तो मतलब बहुत चीजें मांगते रहते थे दुकानों में रहकर। उस टाइम पे मतलब चीजें अगर ना भी मिले ना, हमारे टाइम पे पैसे नहीं हुआ करता, पैसे नहीं मतलब देते कहाँ देते घर वाले छोटे में। पर इतना याद है मुझे कि अगर चीज नहीं मिलती थी ना तो हम लोग शॉप के सामने लोट उठवाते थे, और तब मार नहीं मैं होता था, और मार कब खाते थे पता, जब कपड़े गंदे होते थे। चीज के लिए तो मार खाई नहीं, बस कपड़े गंदे होने के लिए मार खाते थे भाई, गंदी तरह पिटते थे मम्मी पापा से। तो उसको देख के मुझे अपने दिन याद आने लगे थे, ऐसे भी होता है। A few moments later. जब तक लैपटॉप रिपेयर होता तब तक मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं। हम लोग एज यूजुअल टेका की रोड आ गए यहाँ पे, बट यहाँ का जो वेदर होगा गाइस लिटरली बहुत ऑसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है कसम से।
So guys, जैसे कि उस भैया ने मुझे बोला था कि लैपटॉप में टाइम लगेगा, तो भैया ने बोला कि तुम आ जाना 3 या 4 बजे तक। वैसे 2:30 बज गया अभी ऑलमोस्ट, वैसे आई गेस हो ही गया होगा काम। गाइज अगर लैपटॉप ठीक हो गया ना तो भाई जो अब वाले व्लॉग आने वाले हैं ना बहुत अच्छे व्लॉग आएंगे। एंड मैंने पौड़ी से आगे जाके मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, देहरादून साइड में मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था, तो वो वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे आपको। बस होपफुली डेटा रिकवर हो जाए, अगर डेटा रिकवर हो गया ना तो भाई फिर बल्ले बल्ले। हुआ भैया? अच्छा बाकी आ जाएगा डेटा, वो आपका डेटा ना उसमें सी में ही कॉपी हो जाएगा वो, मतलब जो पहले का रहेगा वो एज इट इज रहेगा ना। वेल एंड गुड। अच्छा मैं उससे सोच रहा था कि उससे डेटा कॉपी कर लूं, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं कौन कौन सी फाइल करूं, ये समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। अच्छा एक तो फिर नोटपैड होगा, एक वीडियो होगी। हाँ एक वीडियो, ना वीडियो तो 2-3 थी। हाँ 2-3 वीडियो। हाँ और मैं साथ साथ यूट्यूब भी करता हूँ, तो यूट्यूब वाला डेटा सारा इसमें ही है। सो गाइस ये देखो यहाँ गढ़वाली कैप, लुक एट दिस, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ रिकॉर्डिंग चलती रहती है, चलेगा यूट्यूब में जाएगा ये, आप भी आ जाओगे। कितना टाइम लगेगा आपको? और कोई चक्कर नहीं, मैं यही वेट कर लूँगा। कोई नहीं, आप लो अपना टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। 2 hours later फाइनली भैया ने दोबारा कॉल करा है। सो गाइस मैं अभी अपने लैपटॉप की अपडेट लेने जा रहा हूँ, अभी देखता हूँ कि बना है कि नहीं बना है। अभी ऑलमोस्ट 4:18 दिखा रहा है मेरी बाइक के अंदर। भाई मैं विश कर रहा हूँ भगवान बन जाए एक बार बस। सारे व्लॉग्स सारे डेटा जो है ना, लैपटॉप तो मैं दूसरा भी ले लूँगा, बट जो डेटा है ना यार मैं वो कभी अपनी मेमोरीज को कभी मतलब ला नहीं पाऊंगा मैं, मुझे मेरा डेटा चाहिए वापस। तो मेरा मैंने भैया को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भाई जितना हो सकता है मुझे जो मेरा डेटा लेके आ देना, बिकॉज माय डेटा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्या हो भैया? एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, अभी मैं सीडी से चेक कर रहा हूं। अगर आपके पास है ना, अगर एक काम करना आप इसमें विंडो जो होगी ना ये पार्टीशन में जाता है ना, पार्टीशन में पार्टीशन में जाके वहाँ पे ना आप सी डी डी या ई में डाल देना विंडो। अच्छा ई का नहीं जाएगा आपका, कहीं नहीं जाएगा वो, हाँ। लोग एक फोल्डर बना देगा उसके अंदर। हाँ। तो या तो आप अगर वो सी में डालेंगे तो सी में डाल दो। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था, पार्टीशन में जब क्लिक करता हूँ ना मैं, हाँ। प्राइमरी में गया था मैं, हाँ। तो मैंने उस पर क्लिक करा था तो जो नेक्स्ट का ऑप्शन आता ना नीचे, हाँ। वो ग्रेड आउट था, वो नहीं आ रहा था, ऑफिस आ रहा था पता नहीं मुझे नहीं आया वो। अरे एक्चुअली में क्या हुआ ना, वो तो हो गया था, फर्स्ट क्लास हो गया था, लाइट भाग गई और इसकी बैटरी भी लो थी, जब भी चार्ज भी लगा रखा है तो अगर मैं इसको छोड़ जाता हूँ तो कब तक बन जाएगा भैया? मंडे शाम तक। मंडे शाम तक? नहीं मंडे शाम को 100% दे दूंगा किसी भी हालत में, मंडे शाम को। और डेटा बना होगा ना, पर मतलब डेटा वगैरह सब? हां डेटा वगैरह बचा के। तो विंडो 7 डालोगे 8 टाइम डालोगे? 10 ही डाल दूंगा फिर। 10 डाल दोगे ना? तो 10 ही डाल दूंगा। ठीक है चलो मैं फिर, हाँ फिर मैं निकल जाता हूँ घर ना। एक्चुअली क्या मेरा सारा डेटा व्लॉग वगैरह सब इसी के अंदर है, एडिटिंग वगैरह ना सारा, तो इसलिए हां मैं यही बोल रहा ना, मैं कोशिश यही करूंगा ना मैं। कोशिश क्या मतलब कि मंडे तक तो हो ही जाएगा। कोशिश ये करूंगा कि विंडोज 10 डालूंगा, अगर बाय द वे नहीं पड़ी तो विंडोज 7 डाल दूंगा, आप अपना डेटा निकाल लेना उसी टाइम पे फटाफट 10 डाल देंगे। हाँ ये कर सकते हैं। हाँ तो नंबर आपके पास मेरे पास है मतलब है ना, तो उसमें कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपस हम लोग। ठीक है मंडे को मैं शाम तक आता हूँ मैं। ठीक है ओके भैया थैंक यू। सो फाइनली भैया बोल रहे कि मंडे को आना, 3 से 4 चक्कर मार चुका हूँ मैं आज यहाँ के, और भाई फाइनली बना नहीं है बिल्कुल भी नहीं। सो अभी घर जा रहे हैं, मंडे तक उन्होंने बोला कि मंडे तक बन जाएगा, पर भाई मुझे बस मेन ये कि डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए, डेटा रिकवर हो जाए। सो गाइस ये वाला व्लॉग जो है ना मैं मंडे को कंटिन्यू करूँगा, क्या रहा कैसा रहा फिर मैं आपको मंडे को अपडेट दूंगा। सो आपको मैं मिलता हूँ मंडे को।
सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन इन द सेम एपिसोड। और ये आज है मंडे, जैसे भैया ने बोला था कि मंडे को एक बार विजिट कर लेना, सो मैं मंडे को विजिट कर रहा हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है, भैया ने बनाया है कि नहीं बनाया। वैसे भैया ने मुझे कॉल कर दी थी सुबह कि हैरी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, बट मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिल पाई है। अभी आई थिंक 4:50 हो गए, सो चलते सीधे शॉप में मिलता हूँ मैं आपको अब। सो मुझे लग रहा नहीं बनाए, आई गेस बूट डिवाइस नॉट फाउंड, प्लीज इंस्टॉल, सेम एरर आ रहा है वंस अगेन। सो मतलब हार्ड डिस्क ही खराब है ना इसकी। हमें दूसरी हार्ड डिस्क लगा के दिखाऊंगा आपको ना। हाँ, कोई भी आवाज। अच्छा, जिसमें एक बार आवाज आने लग गई ना, इसका मतलब सीधे खत्म है। सो भैया बोल रहे कि इसकी हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो गई है एंड हार्ड डिस्क ही चेंज होगी। अब मेरा डेटा तो निकलने से रहा, मेन कंसर्न मेरा डेटा था। मुझे नहीं पता गाइस अब क्या होगा एंड कैसे करके डेटा रिकवर होगा, नो आइडिया। अगर किसी को नॉलेज है गाइस प्लीज कमेंट डाउन बिलो। चंडीगढ़ में या देहरादून में कोई है ऐसा इंसान जिसको डेटा रिकवर वगैरह करना आता है तो प्लीज गाइस कमेंट मी। पता नहीं अब क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा गाइस। गाइस मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। और पता नहीं मैं व्लॉग एंड किस स्टाइल में कर रहा हूँ, बट मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।